नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है, जहां पर आपको कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपके साथ चौबटिया पेस्ट के उपयोग तथा उसे बनाने की विधि की जानकारी साझा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ श्री चंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जिनके पास बागवानी के क्षेत्र में 16 सालों का अनुभव है। नमस्कार सर, आज आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि चौपटिया पेस्ट कब और कैसे इस्तेमाल करें। पेस्ट मतलब सेब, नाशपति, आड़ू, पुलम, बादाम सभी पेड़ पर लगा जाता है, क्योंकि पेड़ सूखे ना और उसपे धूप से बचाव रखे, लेकिन उसपे कीड़ा ना लगे। सर, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने इस पेस्ट का उपयोग कहाँ किया है? हाँ, दिखा सकते हो। और ये हमने जब पेड़ मतलब पतझड़ रहते हैं तभी लगाते हैं इसको। जी सर, रनिंग के बाद, ट्रेनिंग और ट्रूनिंग के दौरान जब ये भाग बच जाता है तो इसमें इन्फेक्शन से बचने के लिए हमने ये पेस्ट लगाया था। ये है कीड़े का मात्र, इसमें मतलब कीड़े ना लगे, धूप से बचाओ, जले ना। किसान भाइयों, अब हम आपको चौपटिया पेस्ट बनाने की सही विधि के बारे में बताएंगे। चौपटिया पेस्ट बनाने के लिए हमको रेड ऑक्साइड, लिंसिड ऑयल यानी कि अलसी का तेल, कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना, थोड़ा सा ब्लाइटॉक्स और थोड़े से लाल पिंड की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले 1 लीटर अलसी के तेल को गर्म करें और गर्म करते वक्त उसमें 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट डालें और तब तक मिलाएं जब तक पूरा घोल मिल ना जाए। और जब पूरा घोल ढंग से मिल जाए तब उसमें थोड़ा सा ब्लाइटॉक्स डाल दें, जिसकी वजह से घोल गाढ़ा हो जाएगा। घोल के गाढ़े होने के बाद मिक्सर में 800 ग्राम रेड ऑक्साइड डालें और चूना मिला दें। आखिर में लाल पेंट मिला दें, जिसकी मदद से चौपटिया पेस्ट लकड़ी में ढंग से चिपकता है और जल्दी सूखता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।